हाँ, लेकिन वो वाकई अच्छा मुझे लग रहा है कि वो जो पराठा और गुलाब जामुन वाला था, हाँ, वो मुझे अच्छा लग रहा है कि वो अच्छा हो। अच्छा मुझे लगा यार वो मैगी शेक कितना फजूल था, हाँ, फिर भी लोग कह रहे थे अच्छा था। हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ जवेरिया सिद्दीकी, मेरे साथ हैं ईशानूर, और आज हम देखने वाले एक बहुत मजे की वीडियो, और ये एक बहुत ही वियर्डेस्ट वीडियो भी है। अच्छा ईशा, हाँ। सबसे ज्यादा मतलब कोई वियर्ड चीज जो तुमने खाई हो, लाइक बहुत वियर्ड? मैंने वियर्ड एज सच खाई है, वो एक डिश थी, पता नहीं उसके अंदर राइस भी थी और वो उसके ऊपर ना, अच्छा हमारे जो नॉर्दर्न साइड्स है वहाँ एक डिश होती है, राइस भी होते हैं ऊपर, रोटी भी, पता नहीं अजीब से डाल के खाते हैं, तो वो मैंने ट्राई किया था और बहुत अच्छा भी लगा था। अच्छा भी लगा था, मतलब राइस और रोटी को कुछ मिक्स किया हुआ था उन्होंने, अच्छा लगा। अच्छा मैंने भी बहुत अजीब चीजें सी ट्राई की हुई है। एक तो होता है गुलाब जामुन और आइसक्रीम को मैंने ट्राई किया था, वो एक्चुअली में अच्छा लग रहा था। हाँ, गुलाब जामुन और आइसक्रीम बहुत मजे का लग रहा था। एक दफा वनीला आइसक्रीम जो होती है ना, वनीला आइसक्रीम के ऊपर ये मैंने एक देखा था कि ऑलिव ऑयल थोड़ा सा डालो। यस यस, कि वनीला आइसक्रीम ये प्लेन होती है ना वनीला आइसक्रीम, उस पर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल थोड़ा सा ऐसे डालो और वो खाओ, यार बहुत मजे का लगता है, लाइक सीरियसली मैं ट्राई करूंगी। हाँ वो अच्छा लगता है, थोड़ा वियर्ड सुनने में लग रहा है। और एक दफा पता नहीं मैं बैठी हुई थी रेस्टोरेंट में अपने दोस्त के साथ, और हम लोग ने मील्स वगैरह थे, और फिर हमने ना हॉट चॉकलेट ऑर्डर की, तो मैंने फ्राइज जो होते हैं ना फ्राइज, मैंने वो हॉट चॉकलेट में लगा के देखा। तो मैंने एक दो इस तरह की चीजें की हुई है, हाँ। भाई करना चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। थोड़ी सी वियर्ड चीजें होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि भाई इन्होंने क्या वियर्ड चीजें, निशु तिवारी इनका नाम है, इन्होंने क्या वियर्ड चीजें खाई हैं इंडिया की फूड स्ट्रीट पे। स्टार्ट करते हैं गाइस। नॉर्मल खाना तो हम रोज ही खाते हैं, पर आज मैं खाने वाली हूँ इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा वायरल होने वाले वियर्ड फूड, जैसे कि रसगुल्ला, चाय, पेस्ट्री, मैगी और आइसक्रीम गोलगप्पा। हाय हाय, और मैं ये देखने वाली थी ये वियर्ड फूड इतना ज्यादा टेस्टी होता है कि ये फूड ब्लॉगर हमको पागल बना रहे। गाइस सबसे पहले मैं ट्राई करने वाली हूँ रसगुल्ला चाय, और मैं बता दूँ ये सब कुछ मैं तुम्हारे बिहाफ पे ट्राई करूँ कि तुम लोगों को ये ना खाना पड़े, और मैं खाकर बताऊंगी कि क्या क्या चीजें तुम सच में ट्राई कर सकते हो और क्या क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खाना। तो राम निकला है, देव मानुष निकला। रसगुल्ला चाय कहीं मिल नहीं रही है हमें, तो हम अपने रसगुल्ले घर से लेकर आए, भैया से चाय बनवाएंगे और रसगुल्ले देंगे उनको। भैया आज से पहले आपने किसी के लिए बनाई है रसगुल्ला चाय? पहली बार सुनी है। वैसे मैं चॉकलेट चाय, पान चाय, रोज चाय ये तो मैंने बनाई भी है। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? यही है वो भैया जो वियर्ड खाना बेच रहे हैं एनएसयूटी के सामने। तो भैया आज आपको मेरे लिए बनानी है रसगुल्ला चाय। इसमें क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये चाय बन रही है, अंदर रसगुल्ले हैं। इसके अंदर रसगुल्ले हैं? हाँ, उसके ऊपर आपको चाय डालनी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? भैया खुद घबरा रहे हैं इस गंदी हरकत को करने से। रसगुल्ला पहले डालना है, बाद में डालना, चीनी डालनी है उसमें? चाय में चीनी डाल देना, जल्दी से बनाओ। आइसक्रीम भी, आइसक्रीम डाल दो। शर्म करो, भगवान से डरो। आप ट्राई करोगे मेरे साथ? नहीं, थोड़ी बहुत तो ट्राई कर सकते हो आप। थोड़ा सा लगाओ, दो कप। हमारी रसगुल्ला चाय रेडी है, रेडी हो आप? बिल्कुल कोई घबराहट तो नहीं हो रही? खाओ खाओ रसगुल्ला खाओ। भगवान अगर आज मुझे ये चैलेंज करते वक्त कुछ हो जाए तो मेरी आत्मा को पक्का शांति देना, इससे घटिया चीज मार्केट में कुछ नहीं हो सकती। भाई लोग बेच रहे हैं। ठीक है मत ट्राई करना, बहुत बेकार। गाइस नेक्स्ट हम ट्राई करने वाले हैं पेस्ट्री मैगी, वेज मैगी, चीज मैगी, नूडल मैगी सब सुना था, पर पेस्ट्री मैगी कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो हमें यहाँ पे एक दुकान मिली है मैगी की, चलकर पूछते कि हमें पेस्ट्री मैगी मिलेगी क्या? आंटी पेस्ट्री मैगी होगी आपके पास? शर्म है कुछ शर्म आया है? हम बनाते नहीं है, आपने भी बनवा देंगे। लोग आते हैं वैसे ऐसे मैगी बनवाने? कोई भी नहीं आया। ये बता रही है ऐसे कोई आता नहीं है इस हरकत के लिए, मैं ही आई हूँ स्पेशली पेस्ट्री मैगी खानी है। देखो आंटी अब पेस्ट्री को ऐसे बन जाएगी ना? बन जाएगी। चलो बनाओ पेस्ट्री मैगी। मेरी समझ में अभी तक एक चीज नहीं आ रही कि ये जो प्रोडक्ट हम ये खा रही है लोग जनरली इनको जाके खाते भी हैं, ये सब चीजें बस वीडियो बनाने के लिए बनी है। ये घोटाला है, हम समझ गए कौन फिरकी ले रहा है। मैं अब इसे ट्राई करने वाली हूँ, मैं सच बताऊँ इसको देखने के बाद ना मेरी हिम्मत नहीं हो रही अंदर से, पर फिर भी अगर मेरा चैलेंज है मैं खाऊंगी। डर सबको लगता है, कला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे। जब किसी चीज को खाके कैसी
गंदी से झंझराहट से नहीं बचती, वैसा सा फील हो रहा मुझे। एक चम्मच और। आप ये सीख के कहाँ से देख के आए हो, क्यों बनवा रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रही है। गाइस मेरी तरफ से तो ये है, कभी ट्राई मत करना। गाइस अगला वेयर फूड जो मैं खाने वाली हूँ वो तो किसी के जहन में आ ही नहीं सकता कि यार ये चीज भी बनती है। जी हाँ, और वो है गुलाब जामुन का पराठा। और मैं सच बता रही हूँ कि ये फूड हमने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। तो अभी मेरी खाने वाली दीदी आई है और मैंने गुलाब जामुन खरीद लिए हैं, तो मैं अभी जा रही हूँ दीदी से ही घर में गुलाब जामुन का पराठा बनवाऊंगी और टेस्ट करके देखूंगी कि यार ये कैसा बनता है। दीदी आपको मेरे पे बस एक एहसान करना है, आज हम बनाने वाले आज गुलाब जामुन का पराठा। देखो दीदी मैं आपको दिखाती हूँ। बन जाएगा, बन जाएगा। अंदर ही अंदर आज हमें गालियां दे रही होंगी कि मतलब ये इस चीज के लिए मैं हूँ यार, मेरे से गुलाब जामुन का पराठा बनवा रहा है कोई। और गाइस अभी तो हम ये गुलाब जामुन की हत्या कर रहे हैं, पर आगे जो आने वाले वियर्ड फूड है ना उसके बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते, इतने खतरनाक खतरनाक वियर्ड फूड और हम ट्राई करने वाले हैं। दीदी कितना टाइम लगेगा इसमें? 5 मिनट अभी लगेंगे। जब तक दीदी ये गुलाब जामुन का पराठा बना रही है, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं पूरा दिन ये उलूल जुलूल बहुत ज्यादा ठूसती हूँ, बट अगर आप लोग भी मेरी तरह फास्ट फूड के बहुत बड़े शौकीन हो तो ऐसे में अपनी स्किन का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। और यार देखो अपनी स्किन को हेल्दी रखना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, उसके लिए आपको एक अच्छा फेस वॉश और एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करना होता है। पर दिक्कत ये है कि मार्केट में जो मोस्टली फेस वॉश अवेलेबल है ना वो स्किन को ड्राई करता है, और इसी का सोल्यूशन है मामाअर्थ का न्यू हनी मलाई फेस वॉश विद ट्रेडिशनली रिच इंग्रेडिएंट्स हनी एंड मलाई। ये फेस को जेंटली क्लींस करके डर्ट एंड ग्राइम निकाल देता है बिना फेस को ड्राई किए, और हनी स्किन को प्यूरिफाई करने में और मलाई स्किन को स्मूथ करने में हेल्प करती है। और इसके बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए बस मामाअर्थ का ही हनी मलाई ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगा लो और स्किन को हेल्दी ग्लो देता है बिना किसी चिपचिप के। बस ये दो प्रोडक्ट्स ले लो, टेंशन फ्री हो जाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में, और मेरा कूपन कोड यूज कर लेना, 20% ऑफ मिल जाएगा। और मामाअर्थ की सबसे बढ़िया बात तो आपको पता ही है, आप जब भी इनसे कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो ये आपके ऑर्डर को एक वेबसाइट से लिंक करके एक फ्री लगाते हैं। मामाअर्थ का एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज लगाना, और मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स अभी ईकॉम लाइक नाइका अमेज़न फ्लिपकार्ट के साथ साथ आपके नियर बाय स्टोर्स पर भी अवेलेबल है। अगर आपको दिखे तो कमेंट करके बता देना। फाइनली ये रहा हमारा बरामठा। ट्रस्ट मी, मुझे ये बहुत अटपटा कॉम्बिनेशन लग रहा था कि यार ये वियर्ड फूड भाई ये बहुत टेस्टी है। दीदी खा के देखो, खाओ आज। आपने कभी सोचा था कि गुलाब जामुन का पराठा खाओ? अच्छा ना, ये मैं खा सकती हूँ, मतलब ये मैं हफ्ते में एक बार तो खा ही सकती हूँ, इतना टेस्टी है। तो अगर ये किसी को ट्राई करना अपने घर पे तो मैं कहूँगी यस जी आप कर सकते हो, हर वियर्ड फूड खराब नहीं होता, मैं बता रही हूँ। गाइस अगला आइटम मैं ऐसा ट्राई करने वाली हूँ ना जिसके लिए मैं कभी सपने में भी खाने का नहीं सोच सकती, और इस आइटम के लिए मुझे कहीं बाहर खोजना या किसी से बनवाना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि ये हरकत ऑलरेडी वाव मोमो कर रहा है, और वो आइटम है चॉकलेट मोमोज। कैसा होगा ये आइटम यार, लिटरली चॉकलेट मोमोज होंगे। हाँ तो मुझे एक प्लेट चॉकलेट मोमोज चाहिए। लोग खरीदते हैं चॉकलेट मोमोज? हाँ, लड़कियों को पसंद ज्यादा होता है। वो कौन सी कन्या है, कौन सी महिलाएं चॉकलेट मोमोज पसंद कर रही है? भैया आपने कभी चॉकलेट मोमोज खाए हैं? है? नहीं खाए? चॉकलेट मोमोज नहीं खाए, गुटखा बराबर खा रहे हो आप। बोलो जुबा कीसरे, आप खाओगे आज? ट्राई करोगे? गुटखा थूकना पड़ेगा। थूकोगे? थूक क्या का नुकसान करा दिया मोमोज के चक्कर में। इसमें मोमोज कहाँ है? ट्राई करते हैं दिल पर माइक लगाकर। क्रिएटर में पत्थर नहीं रख सकती। गाइस मैं निशुर तिवारी, मैंने बड़ी बड़ी बातें बोली भैया, खा के बताएंगे अभी ईमानदारी से कैसा है। गुटके में टेस्ट मिक्स हो गया होगा और तंदा लग रहा होगा भैया। कैसा लग रहा भैया? मजा आया। अपनी वीडियो शूट करो। अरे ले गया भाई प्रोडक्ट दे भाई, ये आप ट्राई कर सकते हो, मैं रिकमेंड करूंगी। खाओ चॉकलेट मोमोज दबा के। गाइस अगला वियर्ड आइटम मैं ट्राई करने वाली हूँ, मैगी मैंगो शेक। जी हाँ, यकीन नहीं हो रहा ना? नहीं, पहले मुझे भी नहीं हो रहा था,
फिर मैंने इस आइटम की वायरल वीडियोस देखी, मैगी शेक। तो मैंने सोचा जब इतना समाज में मिल रहा है तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए। वेरी डेंजरस। आप मुझे स्ट्रॉ और स्पून दोनों दे दो। गाइस हमारी जो मैगी शेक वो बन के रेडी हो चुका है। चटनी डालनी है क्या? सॉस? मुझे क्या मतलब, तू जो खाना है खा, मेरा। अरे तू भी तो खाएगा, तेरी भी तो अनुमति जरूरी है। अभी तक मुझे डाउट था कि हर चीज पे जो मैंने टेस्ट करेगी हो सकता है अच्छा हो, इस पे मुझे बिल्कुल क्लैरिटी है पूरी, ये घटिया है। जो लोग दारू वारू नहीं पीते इसको सुन के नशा कर सकते हो। बहुत ही भयंकर आइटम है यार। इतनी टेस्टी लगी क्या? खुशी के आंसू आ रहे हैं इसको, खुशी के आंसू आ रहे हैं। क्यों ब्लॉगर बनवा रहे हैं? कौन खा रहा है यार मैगी शेक? कभी ट्राई मत करना। पता मैं क्यों नहीं बोल पा रही, इसको खाने के बाद ना कोलगेट या जिभिया नहीं होगी, जीभ की सर्जरी कराऊंगी तभी कुछ बोल पाऊंगी। गाइस अगला फूड जो मैं ट्राई करने वाली हूँ वो वाकई में ही बहुत ज्यादा वियर्ड है, क्योंकि ये हिंदुस्तान में चली आ रही प्रथाओं को तोड़ते हुए ये वियर्ड फूड बना है, और वो है आइसक्रीम गोलगप्पा। और यार मैंने पूरी दिल्ली छान मारी कि कहीं पे मुझे आइसक्रीम गोलगप्पा मिल जाए, मां कसम कहीं नहीं मिला। तब मुझे एक दुकान मिली है जो मेरा आइसक्रीम गोलगप्पा बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और गाइज मैं ही जानती हूँ ये भैया कैसे माने मेरे लिए ये आइसक्रीम गोलगप्पा बनाने के लिए। भैया पहले आपने बनवाई है किसी के लिए ऐसा कुछ बनाया आइटम? पहली बार बनवा रहे हो? मतलब सालों से एक प्रथा चली आ रही है लड़कियों के लिए स्पेशली एक गोलगप्पा होता है, तीखा तीखा पानी होता है, मीठा गोलगप्पा। कमेंट करो गाइज आपने कौन सा वियर्ड फूड ट्राई किया आज तक। तो गाइज हमारे आइसक्रीम गोलगप्पे बन के रेडी है, अब टाइम है को ट्राई करने का। खाओगे? सब मना कर रहे, कोई नहीं खाना चाह रहा, मैं ही खाऊंगी इसे। LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। क्या आइसक्रीम अंदर? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? ये बढ़िया है। क्या है ये? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कौन सा फूड ब्लॉगर खा रहा है। तो खाने के बाद मेरा पेट पता क्या बोल रहा है? मालिक माफ कर दो, आज मुझसे कौन सी गलती होगी, सुबह से इतना टॉर्चर कर रहे हो। भैया को खिलाऊंगे, एक ट्राई करके बताओ कैसा है। सारे आदमियों को पसंद कैसे आ रहा है? अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो खा सकते हो, वरना मत खाना। एंड गाइस अब मैं वो वेट आइटम खाने वाली हूँ जिसके लिए मैं सुबह से घबरा रही थी कि यार मुझे इस चैलेंज में ये भी खाना पड़ेगा, गोलगप्पा शेक। ये आइटम भी मैंने बहुत ढूंढा मार्केट में, पर यार गोलगप्पा शेक सच में कोई नहीं बना रहा। फिर मैंने सोचा अपना गोलगप्पा इकट्ठा किया जाए, शेक की दुकान ढूंढी जाए और अपना खुद से ये आइटम तैयार करवाया जाए। भैया देखो ये रील। दूध डाल है? नहीं नहीं दूध मत डालो, बस यही सारा आइटम डालना है, पानी वानी डाला है उन्होंने। डाला गोलगप्पे, रेड सॉस डाला इसमें, आलू प्याज और चना। यार भगवान से डरिए, क्या करवा रही है? गाइस सच बताऊं तो बनवाते वक्त शर्मिंदगी तो बहुत महसूस हो रही है, पर क्या करूं, चैलेंज भी तो करना है। हाँ भैया चीयर्स। गाइस मैंने उधर नहीं बोला पर मैं सच बताऊं, जब आप गोलगप्पे खा लेते हो बहुत सारे और आपके वेट में खराबी हो जाती है, तो जब आप गोलगप्पे वाली उल्टी करते हो ना वो सेम टेस्ट इसका लग रहा है। जब इससे ज्यादा मैं कुछ ट्राई नहीं कर सकती, ये अपना लास्ट आइटम है, मैं यही खत्म कर दूं उस चैलेंज को। आप मेरी वीडियो को लाइक कर दे कृपया करके, मेरी इस हरकत के लिए 1,00,000 लाइक कराएं, और अगर आप करा देते हैं तो हम दोनों मिलके दोबारा पार्ट 2 बनाएंगे मेरा कोई लेना देना। और बियर्ड फूड ट्राई करेंगे 1,00,000 लाइक करो, वो बहुत ही एक्सट्रीम बियर्ड फूड होगा। सब्सक्राइब करो मेरे पेट के लिए। गॉड इतने एक्सट्रीम किस्म के उसने चैलेंज किए थे, है ना, बहुत अजीब अजीब मैगी शेक।
कितना फजूल था हाँ। फिर भी लोग कह रहे थे अच्छा था, मैगी और मैंगो को मिक्स करके और आई थिंक उसमें दूध भी होगा, मतलब कितना अजीब सा लग रहा है। इसमें सॉस डाला है कैसे डाल दिया यार। और जो अच्छा लोग जिनसे वो बनवा रही थी वो भी इतने शर्मिंदगी कह रही, मुझे बनाते वक्त भी शर्मिंदगी हो रही है क्योंकि वो लोग नहीं बना रहे होते थे नॉर्मली रसगुल्ला चाय बनवाने जा रही, लेकिन वो वाकई अच्छा मुझे लग रहा है की मुझे पराठा और गुलाब जामुन वाला था वो मुझे लग रहा है की वो अच्छा हो। अच्छा मुझे लग रहा था ये जो गोलगप्पे का शेक है ये भी अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं यार नहीं देखो एक होता है पापड़ होता है फिर उसके बाद चने होते हैं आलू होता है और फिर वो पानी सारा मिक्स हो जाए ना वो अजीब सा लगता है। अगर वैसे हम खा ले तो हमें ठीक लगता है, लेकिन पहले अगर मिक्स हो जाए तो वो अजीब सा लगेगा। हाँ, हाँ, इस बात सही है। कोई एक जो तुम ट्राई करना चाह रही हो इसमें से कि एक ये गुलाब जामुन वाला पराठा। अच्छा मुझे लग रहा है कि मुझे गोलगप्पे थे ना आइसक्रीम वाले वो भी इतने बुरे नहीं होंगे, इतने बुरे नहीं होंगे वो है ना। क्योंकि वो तो देखो वो तो है ही, लाइक क्या है मैदा ही है ना, हम ट्राई करेंगे। हाँ ये हम ट्राई कर सकते हैं कि मैदे वाले जो गोलगप्पे उसके अंदर आइसक्रीम डाल के और ऊपर से चॉकलेट सॉस डाल के मैगी शेक ट्राई करोगे। मैगी नहीं ये वाला तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, बहुत एक्सट्रीम है। पाकिस्तान में तो अगर हम जाएंगे भी ना ये बना दे वो नहीं बनाएंगे, वो कहेंगे नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता। सही बात है। खैर आप लोग बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, लाइक करें शेयर करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।